आज भी इंसाफ की जो लड़ाई है, इंसाफ जो है हम लोगों से दूर है, बल्कि हम लोगों से दूर किया जा रहा है। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे हैं, वो लगा लेते हैं माइक, इकट्ठा हुए हैं, हर बार इकट्ठा होंगे, हजार बार होना पड़े, लाख बार होना पड़े, करोड़ों की संख्या में होना पड़े, हम होंगे और अपने इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आज अगर ये सरकार अगर सुन नहीं रहा है, इसको सुनना पड़ेगा, इसको सुनने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे, इंसाफ देने के लिए मजबूर करेंगे। ये बात आपको कहते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने बड़ी संख्या में आज आप मौजूद हुए हैं, 10 साल होने के आए, इसके बावजूद आप मैं बटला हाउस के बारे में बोलने से पहले कुछ नाम आप लोगों को गिनाना चाहता हूँ। कुछ नाम आप इस बात को याद रखिए, क्यों ये मैं नाम आपको गिना रहा हूँ, आप पहलू नाम पहलू खान का नाम याद रखिए, आप अखलाक का नाम याद रखिए, आप जुनेद का नाम याद रखिए, आप नजीब का नाम याद रखिए। एक नाम क्यों बता रहा हूँ, एक भीड़ इन लोगों को मारने तक पहुँचता है। नजीब आज चारों काम से एवीपी के गुंडे जब उसको मारे हैं, अगले दिन से गायब है। हिंदुस्तान डॉट बाकी लोगों को वो भीड़ जिसको सुरक्षा दे रहा है, खत्म कर देता है। ये मैग लगे तभी तो आवाज आएगी, नहीं आएगी फिर अभी तक सर आवाज ही नहीं आएगी। इतने नाम मैंने बोला, सारे केस में जो भी गुनेगार है उनको सजा नहीं मिला, बल्कि मंत्री जी आए हैं माला पहनाने, लड्डू खिलाने, किसको? जो लोग काम किए हैं, जो जिन लोगों ने उनको मारा है, वो दरअसल बता रहा है कि आप जाइए मुसलमान को मारिए, जाइए रोहित वेमुला जैसे लोगों को आप कत्ल कर दीजिए, हम आपको सम्मान करेंगे, जाइए जो भी हमारा विरोध करता है उसको आतंकवादी करके खत्म करें। मुसलमानों पे, दलितों पे, महिलाओं पे जब हमला होता है, सरकार को या कोई सरकार को आतंक नहीं दिखता है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, मैं हैदराबाद से आता हूँ, मेरे शहर में एक दफा बम ब्लास्ट हुए, आप जान रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बम ब्लास्ट। हम बहुत दर्द से गुजरे थे उस दौर में, कौन अपने वालों पर जान गई, उसमें हमने नाम नहीं ढूंढा, धर्म नहीं ढूंढा, ना जात ढूंढा, हम इतना इस बात का फिक्र था किसकी जान ये गई। और सरकार क्या करता है, गुनेगारों को पकड़ता नहीं है, बल्कि एक खास समुदाय के लोगों को गिरफ्तार करता है, ओल्ड सिटी से, जैसे हर जगह पे जो पुराना शहर होता है वहीं पे लोगों को उठाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। इस बात को कह रहा हूँ दावे के साथ, मुझे बताइए तेलंगाना सरकार आज जिन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या किसी के ऊपर आज वो मुकदमा चल पाई कोर्ट में? नहीं। मिलत टाइम्स की मजीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।